मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 4 आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट से हमें समीकरण बना के इसको हल करना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो वही हम मान लेंगे। सॉल्यूशन में माना रहमान की वर्तमान आयु वो हमने x वर्ष मान ली। आयु वर्ष में होती है तो हमें x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? रहमान की आयु 3 साल पहले, उससे 3 वर्ष कम होगी तो क्या आ जाएगा? x घटा 3 वर्ष, ठीक है। अब वो 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो हम ले लेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। 5 वर्ष पश्चात में उसकी आयु में 5 और बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगी? x जमा 5 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी, ठीक है। अब 5 वर्ष पश्चात की हमारे पास आयु आ गई, 3 वर्ष पहले की आयु आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम और 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और उन दोनों का जोड़ 1/3 है। तो हम प्रश्नानुसार लेंगे। प्रश्नानुसार हम यदि लेंगे तो इन दोनों का व्युत्क्रम अर्थात 1/x/3 जोड़ का 1/x+5 किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास 1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1/3 के बराबर हो गया तो अब हम यहां से समीकरण बनाते हैं। कैसे? अब यहां लघुत्तम ले लिया, x घटा 3 और x जमा 5, इधर तो हमारे पास 1/3 है, यहां x जमा 5 इधर हो गया और क्या हो गया? x नेगेटिव 3, ठीक है। अब यहां से जब हम इसको देखेंगे समीकरण बन जाएगा x और x 2x और 5 में से 3 में 2, ये आ गया हमारे पास 2x जमा 2 और नीचे जब इनको हम गुणा करेंगे आपस में हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और 5x और -3x जोड़कर 2x और -15, जब इनको गुणा करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा और यहां से 1/3, ठीक है। r पर गुणा कर दिया, ये हो गया 3×6x जमा 3×6 और वहां इसकी गुणा करेंगे x स्क्वायर जमा 2x -15, ये r पर गुणा इस प्रकार हमने कर दी, ठीक है। अब सभी को उधर ले जाएं, यहां से हमारे पास क्या बच गया, यहां से देखें x स्क्वायर जमा 2x -15 है और ये -6x हो जाएगा, उधर जाके -6 हो जाएगा = 0 हमारे पास आ गया। अभी x स्क्वायर x कितने हो गए? -4x और -21 = 0 हमारे पास ये आ गया है। अब हम यहां से d निकाल लेंगे। d हमारे पास क्या आता है? b² - 4ac, b² कितना है? -4, -4 का स्क्वायर -4, a है हमारे पास 1 और c है घटा 21, ठीक है। अब यहां से 16 है, -90 पॉजिटिव होगा, 84 तो आ गया, तो हमारे पास 100 आ गया d। अब d 100 0 से बड़ा है तो इसके दो हमारे पास मूल होंगे, मूल हम निकाल लेंगे x का मान -b प्लस और माइनस वर्गमूल d/2 a। यहां पे ले लेते हैं x बराबर -4 प्लस और माइनस d कितना है? 100/2, तो एक हो गया, एक है ये 90 पॉजिटिव 4 हो गया, ये प्लस और माइनस ये हो गया 10 और बटे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहां से x के दो मान हमारे पास आ गए हैं, एक 4 जमा 10 14/2 जो क्या होगा? 7, और दूसरा मान क्या होगा? 4 घटा 10 -6/2 -3। अब किसी भी व्यक्ति की आयु नेगेटिव नहीं हो सकती, घटा में नहीं हो सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास मान क्या आया है? सही वो आया है 7। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष वो है 7 वर्ष, नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न हमें हल करना है। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।